गाइस, आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। क्यों मैं आपको बताने वाली हूँ, अच्छा खबर है सबके लिए। और लेकिन अगर आपको जानना है किस लिए हम जा रहे हैं, तो आपको क्या बोल रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो कल रात को 3 बजे हम लोग पैकिंग किया। रात को अचानक से एक अच्छा गुड न्यूज़ आया, जो कि जो कि 12 बजे के आसपास हम लोग को गुड न्यूज़ आया। फिर हम लोगों ने पैकिंग वगैरह किया, 3:30 बज गया। अभी हम लोग को गुवाहाटी जाना है। रीज़न क्या है वो बाद में बताऊंगी, लास्ट तक आपने देखना। तो यहाँ पे इन्यूडिटी रेडी हो गई है, अपना पैकिंग कर लिया है। यहाँ पे मायना देख सकते हो रेडी है, वो नीचे का मैंने पहना नहीं, क्योंकि उसको अभी भी उसको फ्रेश होना है इसी वजह से। तो आजकल क्या करते हैं, दोनों हाथ एकदम पीछे ऐसे कर लेते हैं, दोनों हाथ करके फिर ऐसे चलते हुए जाते हैं, फिर वो गाना सुनते हैं पूरा, कुछ भी काम करते रहे। अब इतना गाना का शौकीन है, देखो गाना यहाँ पे बज रहा है, वो यहाँ पे सुन रहे हैं, इतना गाने के ऊपर शौक है उसको। तो यहाँ पे हमारी सेल्फी क्वीन जो अभी सेल्फी खींच रही है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गुवाहाटी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो हम लोग अभी निकलते हैं गुवाहाटी के लिए। अभी मुनु दीदी वहाँ पे एसी में रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने स्लीपर बुक किया है। तो चलो अभी निकल जाते हैं यहाँ से। और रुको रुको, यहाँ पे मुझे मम्मी का फीलिंग्स जानना है, मम्मी को कैसा लगा आज, हुआ अभी। लेकिन मैं यहाँ पे अभी ऐड नहीं करूँगी, बाद में उनका फीलिंग्स दिखाऊंगी। उनका जो गाड़ी है वो 8:30 को था, लेकिन अभी हम लोग का 8:30 यहाँ पे हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो हम फटाफट निकल रहे हैं। तो इन्हीं दीदी आगे जा रही है, बाबू आगे की तरफ है, मम्मी पीछे रह गए हैं। तो गाड़ी ऑलरेडी वहाँ से निकल गए, हम लोग को वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। और ये हमारे घर की पड़ोसन की जो मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो इसके लिए पंडाल लगा के रखी है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी हम लोग चल जाते हैं। यहाँ नू दीदी इतना लेजी कर रही है उसको चलने में। तो यहाँ पे मैंने मायने को गोद में ले लिया, वो पीछे धीरे धीरे आ रही है, मम्मी भी आ रही है। तो यहाँ पे बैटरी रिक्शा वगैरह कुछ भी मिला नहीं है, पीछे मैंने बैग लगा लिया। फिर अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, फाइनली एक रिक्शा मिल रहा है, तो हम लोग जाने वाले हैं रिक्शे में आगे। वो बैग तो पिसा लो पड़े, वो बैग तो बेगा। तो ये है हमारे गाड़ी, स्लीपर में अभी जाना है। मुनु दीदी बैग से बैठ गई है, मुनु दीदी साइड में बैठी है, इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और पहले मैं बैठ रही थी, उसके बाद ऊपर जाऊँगी, सीरियस चलने में बहुत दूर तक चलते हुए आई हूँ। तो बैटरी रिक्शा वगैरह कुछ मिला नहीं, लास्ट में मिला था, लेकिन हम लोग उसने टाइम तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो चलो अभी जाते हैं हम पार्टी, फिर आपके पास पूरा ब्लॉग देखते रहेगा क्या, वो सब कुछ देख रहे हैं भाई। कहाँ पे आ गया हम, इसलिए गाइस मुनु दीदी वहाँ पे बैठी है, और ऊपर ये वाला स्लीपर हमारा है। तो आज डे टाइम में मैंने जा रही है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये सिप्स का पैकेट का पूरा खोलने के लिए यही कर रहा है। क्या हुआ वो, ओ खाना है तुम्हें, तो उसको सिप्स खाना है, तो वो सिप्स निकाल रहा है। ओ खबा, तो उसको ये भी बताया कि वो उसका खाने वाला नाश्ता है, तो उसको वो मुझे निकालने के लिए बोले, भूमू बोले, सब कुछ निकाल रहे थे। मायना को देखो, वो सिप्स खा रहे हैं, और इन्हों दीदी फाइनली आ गई है। वो बोले मैं मोटी हूँ, ऊपर बैठ नहीं पा रही हूँ, तो जैसे जैसे करके ऊपर आ गई। और यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने पर्दा वगैरह क्लोज कर लिया। वैसे पहले बार हम लोगों ने जब सेरापुंजी गए थे उस टाइम पे अक्सेस लग्जरी में गए थे, उसके बाद बहुत अच्छे से चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ पता है, वहाँ पे ड्राइविंग अच्छा था, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा फूल ए सी था, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग लग गया था। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे ए सी पूरा कम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो का ऑप्शन भी है, ये भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कम्फर्टेबल लग रहा है। लेकिन थोड़ा बस अगर अच्छे से चला देने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सिपसागर से, फिर बीच में रुकेंगे, आगे तक आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग आगे तक प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने। तो चलो ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। दीदी और मायना दोनों खेलते हुए जा रहे हैं, बस उसको खेलना पड़ रहा है उसके साथ। और यहाँ पे व्यू को मैंने एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सो रही हूँ। और यहाँ पे देखो वो कितना खेल रहे,
तो मैं यहाँ पे सो गई, यहाँ पे इनू दीदी उसके साथ खेल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रात को देर तक जागी थी इस वजह से। इनू दीदी को देखो, वो चप्पल के साथ ना उसने बॉटल भी रख दिया, तो वही बॉटल से हम लोग पानी पियेंगे, है ना इनू दीदी? और ये अभी आ गया मेरा नटखट, जो लॉन्ग जर्नी में कभी भी परेशान नहीं करता है मुझे। पकड़ के रखना पड़ रहा है, पूरा भाग रहे, मेरे ऊपर से जाके ऊपर इसको नीचे गिर जाएगा, तो मुझे ये पता था कि नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए तो इन्होंने दीदी यहाँ पर पकड़ के बैठी। बहुत परेशान कर रहा है, खेल रहा है बास्केट, उसको ऐसा लग रहा है ये कि घर है उसका। नो 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 यार, ओ ओ बम बम बोलो जा बम बम। उसको नीचे जाना है, नंगे पैर लगे, उसको लग रहा है कि हम लोग आंगन में खेल रहे हैं। उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन्होंने दीदी पकड़ के रखी है, तो उसकी दादी के साथ अभी बात कर रहा है। आना मत से आओ मम्मी से, अपना मम्मी से, मम्मी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं। देखो मोनू दीदी को देख के उसको उसके साथ चार देखो उतरने के लिए कितना बेसन हो रहा है उसके। मैं शांति से सो रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मतलब नींद आ रही है ना, रात को सोई नहीं, तभी थोड़ा टाइम सो जाती हूँ। मैंने मोनू दीदी के साथ खेलेगा नीचे, उसको परेशान करेगा, तो कर नहीं दो मोनू दीदी को परेशान। अभी मैं चली सोने के लिए, फिर से मेरे पास आ गया, आके मेरे पेट पे आके बैठ गया। अभी देखो मोनू दीदी के पास जाके चिल्ला रहा था बुबू बुबू, मतलब मेरे पास आना है। अभी आके ही हल्ला मचा रहा है। नो 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 मैना ओ नो ओ नो ओ ऊपर काइंड का ये है, जो चार्जर बोर्ड है ना वो कौन है? मैना हाँ सर, वो मैना कुडुपला 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 सर, चोट लग गया, तो इसलिए वो बस को मार रहा है। मैना मैना कहाँ पे चोट लगा दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे चोट लगा दिखाओ, कहाँ पे चोट लगा दिखाओ, नहीं दिखाना है। हाँ कौन मैना? हाँ कौन? तो ए सी चालू है ना, ठंडा लग रहा है, तो इसलिए बोल रहे हाँ ऐसा बोल रहे हैं। मैंने हाँ कहाँ है, ऊपर है ये, अभी ये अगर बढ़ा देती हो ना तो उसकी तरफ कर देती, वो कैसे करेगा रिएक्शन निकलना। ओ ओ ओ फैन दे से बोल है, फैन दे हो इधर, फैन दे हो
अभी सो के उठी हूँ, आप देख सकते हो माइंड सोते सोते इतना माइंड खेल रहा था, तो मैं मोंजुली का बन गई। बाल दिख रहे हैं और माइंड अभी भी वही दिखा रहे हैं कि उसको वहाँ पे चोट लग गए जाके मतलब 9 बजे से सोया है अभी, डेढ़ बजने वाले हैं, 5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। खाने के लिए भी रुकने वाले हैं, चॉकलेट में रुकने वाले हैं, इसको देखते हुए आ रहे हैं। मैंने मैंने डुक कोट पला डुक कोट पला बोले किसे पानी। हम लोग आए थे चौकलावना में, रुके यहाँ पे सभी बस वगैरह यहाँ पे रुकते हैं, तो हमारा वाला ये है जो हम लोग अनुराग से आए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया भात। अभी मोनू दीदी और इनू दीदी मीठा पान खरीद रहे, वो लोग बोल रहे कि मीठा पान खाने, तो मेरा हालत देख सकते हो, गर्मी बहुत बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, थक गई हूँ मैं असल में, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे वापसी के लिए। 4 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग कब कि वहाँ पे मायना को लेके उसको खिला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट किया है यहाँ पे, वीडियो वहाँ पे मोबाइल में खरीद रहे हैं, तो बाहर से आराम से मतलब बैठ के जा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है बैठने में, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्लीपर नहीं लेने वाले, तो पहले मैंने बोला रखे पहले में हम लोग जब गए थे उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन अभी इतना दिक्कत हो रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग अभी आ रहे हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि कब तक पहुँचे गुवाहाटी, जल्दी जल्दी पहुँच गुवाहाटी पहुँचे हैं, लेकिन अभी हम लोग को ऑटो में टेम्पो में जाना पड़ रहा है। ओला उबेर में हम लोगों ने बुक किया था, लेकिन ओला उबेर में क्या हुआ वो आते थे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए किसी को मिलना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग करना है, तो इसी वजह से हम लोग अभी ऐसे ऑटो में बैठे हैं। यहाँ से हम लोग बैलवाला तक जाएंगे, बैलवाला से उल्लूबाड़ी, तो भैया ने बोले कि उल्लू में ऐसे जाओगे तो पैसा महंगा पड़ेगा, और वैसे अभी अभी हम लोग ऐसे जाएंगे तो 10-10 रुपीज़ देगा बैलवाला तक, मतलब खड़ा पड़ से, तो 10-10 रुपये 3 दिन का होगा 30 रुपये, और दूसरे बस में हम लोग जाएंगे 20 रुपये जाएगा। नहीं तो ओला उबेर में 300-350 तक पहुँच रहा था, लेकिन कोई भी ओला उबेर अभी तक आया नहीं था, तो इन्होंने हमें साना खरीदा है मिक्सर, तो अभी हम लोग उठाते हैं, तो चलो अभी पहुँचते हैं जल्दी, अभी काफ़ी देर हो गया है, अभी टाइम कितना हुआ है, अभी 6:30 बज गए, किसी को मिलना भी है, मार्केट भी जाना है। उल्लूबाड़ी से जो भी मतलब वो हम लोग मैजिक में आए थे वो वाला चेंज किया, फिर हम लोगों ने सिटी बस में भेजा, लेकिन सिटी बस में हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, फिर हम लोगों ने चेंज किया, फिर हम लोग बैठ गए ऑटो में, ऑटो में अभी 200 रुपीज़ पर मतलब 200 रुपीज़ के हम लोग हिसाब से हम लोग जा रहे हैं प्रिया पैलेस तक, होटल प्रिया पैलेस जो उल्लूबाड़ी तक है। दादा मेरे को इस वजह खाना पड़ा ना, बैल रोला हाँ, तो 25 से हम लोग जा रहे हैं मतलब उल्लूबाड़ी तक, तो वहाँ तक 200 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। यहाँ पे माइनरी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, अपनी मासी के साथ बैठा हुआ है, कोई मतलब पूरा दिन खेल रहा है, अभी बोला है तो मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा है, पूरा दिन मतलब सो के आया है, खेला है गाड़ी में, थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर, रोया भी नहीं, अभी भी मतलब इतना देख देख के जा रहे हैं, हम लोग शौक हो, इतना छोटा बच्चा इतना कभी भी बाकी बच्चे लोग मुझे नहीं मालूम मतलब बाकी बच्चे लोग कैसे रहते हैं, लेकिन मेरा छोटा ऐसा है, अभी सुबह के 8:30 बजे से अभी तक हम लोग जर्नी कर लेंगे, अभी तक थोड़ा सा भी परेशान नहीं किया, तो वो यहाँ पे देखो पूरा रास्ता अगर देख के जा रहे हैं मासी के साथ खेलते हुए, तो अभी टिकली को मिलना है उसके साथ, उसके साथ हमें जाना है मार्केट पे, उसके मतलब आसपास में जो भी मॉल होगा ना वहाँ पे हम लोग को जाना है, अगर अच्छा मॉल होगा तो, क्योंकि उसका कपड़ा वगैरह भी खरीदना है, क्यों खरीदना है वो तो मैंने आपको बोला है कि लास्ट तक बताऊंगी, तो आगे तक वीडियो जीत जरूर देखिएगा, आई होप सो। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी टिकली के होटल पे, टिकली माइनर को लेके भाग रही है, हमें भाव ही नहीं दे रहे, ये है टिकली के रूम।
आज के टिकली की होटल और यहाँ पे मायना आके ही देखो पूरा सामान तो वो बोल रहा है भूख भूख, मतलब उसको भूख लग रहा है इसीलिए भूख लग रहा है बोल रहा है कब से। और ये है टिकली की फ्रेंड रिमी और स्वास्तिका और एक फ्रेंड है वो भी रूममेट है। अभी ये अभी टिकली का नया किट बैग ये दिया है और ये वाला दिया है पहले का एसियर वाला, ये वो था ना तो पहले वो वाला था, अभी वो हम लोग रिटर्न करके ले जाएंगे, अभी आज ये नया वाला दिया है। तो अभी हम बताएंगे आज क्यों हम लोग गुवाहाटी में आएंगे। पहले माँ बहन के माँ बेटे के बीच में झगड़ा हो रहा है क्या लेके जाऊँ क्या लेके नहीं जाऊँ, लेकिन कहाँ जाना है वो अभी बोलेगी। पयोनिधि पयोनिधि बोलो कहाँ जाना है आज? मैं जा रही हूँ वाइजेक विशाखापट्टनम। ये हाँ क्यों जाने वाले हो? खेले जा रही हूँ अंडर 19 स्टेट वुमेन्स। हाँ तो कल सुबह का फ्लाइट है विशाखापट्टनम, मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। और भी एक बार गई थी गुजरात में राजकोट, पहले बार राजकोट में गई थी ना, तो पहले राजकोट गई थी, इस बार भी विशाखापट्टनम गई है। तो कल उसकी फ्लाइट है, आई होप वो अभी अंडर 19 में खेलेगी। तो अभी देर हो रहा है, मतलब हम लोग को आते आते अभी 8 बज गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे मायने को आके हम लोगों ने सैलेड खिला लिया, अभी उसको चेंज कर लेंगे, टिकले का कुछ सामान खरीदना है तो इसलिए हमें हम लोग मॉल जाएंगे तुरंत। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में खरीदना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत देर हो गया, हम लोग निकले थे 8:30 बजे, अभी बज गया 8 बज गया, पूरा दिन ऐसे ही गया। मायना को भी भूख लग रहा था तो इसलिए हम लोगों ने सैलेड खरीदा। तो अभी निकल जाते हैं, मायने को रेडी करते हैं हम लोग मॉल पे पहुँच गए है ट्रेंड्स पे। तो यहाँ पे देखो मायना पूरा घूम रहा है, चप्पल नहीं पहना है क्योंकि उसको मैं बहुत ज़्यादा बहुत कम ही मैं उसको चप्पल पहनाती हूँ, तो वो हंस रहा है पूरा। नो 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 नो। हम लोग आ गए मॉल पे, तो अभी कपड़ा खरीद रहे हैं। टिकली का टिकली से में लड़की है लेकिन वो मैंस वेयर का कपड़ा ही पहनते हैं तो इसीलिए मैन सेक्शन में आए हैं। तो वो खरीद रहे हैं वहाँ पे कपड़ा। यहाँ से जाके हम लोग को अपने भाई के घर पे जाना है, बहुत देर हो गया ऑलरेडी, 8 यहाँ पे बज गया, फिर घर तक पहुँचना है 9 बजे, यहाँ पे 9 ही बज जाएगा सर। की बोल लो की बोल रहे सर बाबू। रूम से हम लोग निकलने वाले हैं, यहाँ से निकल जाएंगे अपने हम अपनी भाई के घर से। और ये जो पिछली बार उसने खेला था फीडबैक था उसका, वो रिटर्न करके लेके जा रहे हैं। और अभी वाला जो है ना वो मतलब लेके जाएगी, और पहले वाला हम लोग रिटर्न करके लेके जा रहे हैं। मतलब मेरा जो भी फीडबैक देते हैं वही लेके जाना पड़ता है, बाकी जो पहले का होता है वो रिटर्न करके ले जाना होता है। तो वो जाएगी कल सुबह को फ्लाइट है। कितने बजे फ्लाइट है? 5 बजे। 5 बजे फ्लाइट है। फिर तो अभी टिकली जाने के लिए आशीर्वाद ले रही है अपनी माँ से, तो अभी जाने वाले आप लोग भी आशीर्वाद करना। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा। मैं ये नाती पोती है ना, पोती ये खेल के लिए जा रही है ना, मेरा बेटी लोग जाएगी, मैं बहुत सुख, मैं जा नहीं पा रही हूँ घर से, बाबू का एग्जाम है, इनुडीडी का लड़का मतलब बाबू गोरंगो का एग्जाम है, तो इस वजह से मम्मी को रहना पड़ा है घर पे, इनुडीडी के साथ में है इस वजह से। तो इस वजह से खुशी जिंदगी में बहुत मतलब लोगों का ऐसा होता है, लड़का होता है तो लोग ऐसा प्राउड करते हैं, लेकिन हम लड़कियों के लिए प्राउड करते हैं कि हमारे घर में ऐसा लड़कियां है, हमारे घर में 4 लड़कियां, हमारे निफ्यू, हमारे चारों में चार, मतलब हम पूरा चारों बहनों का सबका लड़का है, सिर्फ टिकली ही मतलब एक लौटी लड़की है, और उसने एक लड़की होकर पूरा अच्छे से नाम कमाए हैं। आई होप मतलब आगे जाके वो मतलब इंडिया टीम में खेलेगा, नहीं मम्मी?